Born in the smoldering cauldron of partition, Pakistan Air Force took its rightful place as the protector of a fledgling nation, cutting its teeth in battle and earning its fabled reputation as a master of the skies. It has gone from strength to strength, with patriotism as its inspiration and superior training as its ethos. It has met every challenge head-on, be it the war on terror, foreign aggression, or a natural calamity. The nation can count on this illustrious service to bring solace to her distressed and death to her enemies. Shuru Allah ka naam lekar jo malik e kainat hai. सरबराह पाक फजाइया जनाब एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब, मौजिस बुरसाए शहदा गाजियान फलक जात, पाक फजाइया के अफसरान और काबिल एहतराम मेहमान ग्रामी को बहरोज सब्जवारी और बुशरा अंसारी का सलाम। आज के इस ऐवान में सदाए तकरीम उन जानबाजों की जिन्होंने 1965 और 1971 के मारकों में दुश्मन को नेस्त तो नाबूद कर दिया। अजीज हमवतनों, यहाँ बैठे हुए बहुत से हाजरीन ऐसे हैं उन्होंने अपने किसी अजीज को खोया है और इस वतन की खातिर न सिर्फ उनके किसी खानदान के किसी फ़र्द ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ़ की, शहीदों के पूरे ख़ानदान इन कुर्बानियों में शामिल होते हैं, इसलिए हमारे लिए भी वो उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने वो शहदा और गाजियान हैं। ऐ वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं, हमने रौंदा है बियाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले आते हैं, हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। आइए देखते हैं इस धरती की पुकार पर लग बैक कहकर रिवायती दुश्मन को धूल चटाने वाले जाबाजों के कारनामों पर एक फिल्म रिपोर्ट। जंगे मोमिन चीज हिजरते सुए दोस्त तरके औलम इख्तियारे हो के हरफे अक्वाम गुफ्त जंग रा रहबानी इस्लाम गुफ्त کس نداند جز شهید این نکته را کو به خون خود خرید این نکته را ستمبر شروع ہوتے ہی جب جنگ کے بادل مادر وطن پر منڈلانے لگے تو نور خان نے دشمن پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا यही वजह है कि यकम सितंबर 1965 का सूरज पाक फजाइया की कामयाबियों और फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। ये वो तारीखी दिन था जब सियालकोट के महाज पर सरफराज रफीकी और इम्तियाज भट्टी ने दुश्मन के चार वैम्पायर जहाज तबाह करके दुश्मन को ये वाजे पैगाम दे दिया था कि पाक फजाइया के शाहीनों से ना टकराना। पाक फजाइया के मायानाज आबाद सज्जाद हैदर ने अपनी निडर टीम के हमरा दुश्मन की पेश कदमी करते हुए टैंकों ट्रकों और तोपों को तहस नहस करके लाहौर पर कब्जे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। 6 सितंबर की शाम ही को सज्जाद हैदर के 19 स्क्वाड्रन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिस पर दुनिया आज भी हैरान है। इनकी क्यादत में बजा दी और जमीन पर खड़े 13 जहाज जिनमें जदीद MiG-21 भी शामिल थे नेस्त तो नाबूद कर दिया। 7 सितंबर का सूरज पाक फजाइया को फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। इस तारीखी दिन एमएम आलम ने अपने तन तनहा सैबर के जरिए दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके दुश्मन पर यह साबित कर दिया कि पाक फजाइया के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। 7 सितंबर की दोपहर पाक फजाइया के मायानाज हवाबाज शब्बीर हुसैन के 14 स्क्वाड्रन ने मशरकी पाकिस्तान के महाज को गरमा दिया। इनकी इस निडर फॉर्मेशन ने दुश्मन के दूर अफ्तादा गलाई कुंडा बेस में घुसकर जमीन पर खड़े 14 कैनबरा बम्बार तैयारे तबाह कर दिए।
1965 की जंग की कामयाबी में नंबर 31 विंग के B-57 बम्बार तैयारों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। कहीं नजीब खान, विलियम हार्नी और बिल लतीफ आगरा और आदमपुर को ने सुनाबूद करते दिखाई दिए, तो कहीं रईस रफी, यूसुफ अलवी, सादत अख्तर और पीटर क्रिस्टी हलवाड़ा और पठानकोट को रोंदते चले गए। 17 दिन पर मुहित इस जंग में एरिक हॉल ने जब C-130 तैयारे को बम्बार में तब्दील करने का एक अछूता आइडिया मुतारफ कराया, तो तमाम दुनिया फर्त हैरत में पड़ गई। गर्ज ये कि वो पाक फजाइए के पायलट्स हों या नेविगेटर्स, रेडार कंट्रोलर हों या इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, एयरमैन हों या सिविलियन, तमाम तर अफराद दुश्मन के सामने सीसा बिलाई दीवार साबित हुए। 65 की जंग में मैं भी अब ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी और वहाँ बम धमाके की आवाज़ आई, लेकिन मुझे अब भी याद है कि उस वक्त जो लाहौरियों का ख़ास तौर पे आप सबको याद होगा, बाकायदा जोश में अपनी छतों पे चढ़ के ललकारते थे दुश्मनों को। फिर वो रेडियो पर पुरजोश मिली नगमे और हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स थे उनकी आवाज़ में जो घन गरज होती थी, लगता था वो खुद सब महाज पर हैं। और MM आलम साहब जिन्होंने क्या मार्का मारा था, मैं 3 दफा उनसे इंटरव्यू कर चुकी हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी एजाज़ बहुत बड़ा एजाज। आप बहुत अजीम लोग हैं, स्पेशली जो शोहदा की फैमिलीज हैं, आपने कैसे सबूत पैदा किए, और अल्लाह का बड़ा करम है, हम बहुत सुकून की नींद सोते हैं उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान एयरफोर्स। वतीनोजात एक बहुत ज़बरदस्त दास्तान है जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, और वो एक वाहिद मर्द मोमिन की कहानी है जिसने दुनिया की 4 फजाई अफवाज में खिदमत अंजाम दी। देखते हैं ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम सितारे जुर्रत पर मबनी एक छोटी सी फिल्म। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम अक्टूबर 1960 में मादरे वतन की फजाई सरहदों की पासवानी का जज्बा लिए पाक फजाइया की शाहीनों की दुनिया में दाखिल हुए। पाक फजाइया ने उन्हें F-86 सेबर जहाजों पर अमरीका में तरबियत हासिल करने के लिए मुंतखब किया। तरबियत में ही औज कमाल फन परवाज की वो बुलंदी हासिल की कि उन्हें अमरीकी फजाइया की जानिब से टॉप गन होने का एजाज अदा किया गया। उन्होंने जंग के अवाइल में सियालकोट, वागा और पसूर के महाजों पर भारतीय फौज पर 12 कामयाब हमले किए। 5 सितंबर के रोज जब 4 सेबर तैयारों की फॉर्मेशन भारतीय फौज पर कामयाब हमले से वापस लौट रही थी, उनका सामना 2 भारतीय नेट तैयारों से हुआ। उन्होंने फौरन एक जहाज को अपने निशाने पर लिया। उनके तैयारी से निकलने चश्मे सदन में इस भारतीय जहाज को तबाह कर दिया। दूसरे जहाज के पायलट ने राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। इस जंग में नाकाबिल फरामोश शुजात के एतराफ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान उन्होंने उर्दू और इराकी फजाइया की जानिब से लड़ते हुए इसराइली फजाइया के 3 लड़ाका तैयारों को तबाह करने का लाजवाल कारनामा सर अंजाम दिया। Pilot. No man, no officer or pilot do like what he did. Destroyed 3 planes, Israeli Air Force. It's very, very, very famous. He was really a very professional pilot. He fought with courage. He used to be called amongst the Arabs and Jordanian fighter pilots the Israeli aircraft hunter. इस जंग में इनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में उन्हें उर्दुन ने वसामुल इस्तकलाल और इराक ने नवत शुजा के एजाजात से नवाजा। सन 2001 में अमरीकी हुकूमत ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन हवाबाजों की फहरिस्त में शामिल करते हुए लिविंग ईगल के लकब से नवाजा। सैफुल आजम वो वाहिद पायलट हैं जिन्हें दुनिया की 4 फजाई अफवाज में खिदमात सर अंजाम देने का एजाज भी हासिल है। 14 जून 2020 के रोज शब हवाबाजी का ये दरख्शां सितारा इस दारे फानी से रुखसत हो गया और उन्हें ढाका में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस पाक फजाइया इस जर्री हवाबाज को सलामे अकीदत पेश करती है। ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम की जो जितनी भी उनको एजाजात
नसीब हुए अपनी जिंदगी में, उसका क्रेडिट पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम की जिंदगी पे बात करने के लिए हम दावत देंगे 1965 की जंग में सितारा जुर्रत हासिल करने वाले एक और हीरो, स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर साहब। गनी अकबर साहब, आपका उनका बहुत साथ रहा और हमें मालूम हुआ कि अब तक आप और वो एक दूसरे से रابطے में भी थे, क्या आप कुछ अपनी यादों में से शेयर करना पसंद करेंगे? वो निहायत ही एक अजीम शान इंसान थे और उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। सैफुल आजम जहाँ जहाँ रहे उसने अपनी महारत और अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। मैं जब दिसंबर 1958 में PF कॉलेज पहुँचा तो इनसे मेरी पहली मुलाकात हो गई। हमारे लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उस वक्त है जब वो बास्केटबॉल खेलता था, तो बहुत अजीब व शान प्लेयर थे और हमें भी सिखाता था बास्केटबॉल। बाद में वो अमरीका चले गए, वहाँ से जैसे आपने दिखाया कि वो टॉप गन का एजाज़ हासिल करके वापस आया। हम दोनों एक साथ इंस्ट्रक्टर भी थे रसालपुर में। 1965 में जो उसने जौहर दिखाए वो आपने सबने देखे। उसने इंडिया का नेट तैयारा भी मार गिराया और उसका पायलट जो था मयादेव फ्लाइंग ऑफिसर हमने जिंदा पकड़ा। क्या बात। अरब इजरायली वार में वो पहला बंदा था पाकिस्तानी पायलट जिसने इसराइल का तैयारा मार गिराया, मिस्टियर 4। और आपने देखा कि हर मुल्क ने उसको मेडल ऑफ वैलर यानी बहादुरी के तमगे दिए हैं। जब 1980 में रिटायर हुआ तो सियासत का ख्याल आया, तो 5वीं पार्लिमानी इलेक्शन में हिस्सा लिया और वहीं पर गाकल बाड़िया पबना से उसने वो जीत के और अपनी मुल्क की खिदमत की। जब वो 71 के साने के बाद बांग्लादेश चले गए तो आपकी मुलाकात रही उनसे, तो कोई अहवाल उन मुलाकातों में से? 19 अप्रैल 93 को मैं बांग्लादेश गया ढाका। वहाँ के एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अल्ताफ चौधरी ने मुझे दावत दी थी, तो सबसे पहले सैफुल आजम आए अपनी बेगम के साथ। तो बस वो पुरानी बातें, PF कॉलेज ही बातें, जब हम इंस्ट्रक्टर थे, कैडेट थे, जितनी बातें हमारी हुई दिल खुश हुआ और वो यादें अभी तक। यादें तो ऐसी हैं कि जो दिन भर भी अगर आप उनको याद करते रहे तो खत्म ही नहीं हो सकती। और स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत पाक फिजाई की ताबनाक तारीख में कई नाम ऐसे हैं जिनकी जुर्रत और बहादुरी की दास्तान से दुनिया अब तक अनजान है। उन्हीं गिरोज में से एक नाम एयर वाइस मार्शल सईद अख्तर अंसारी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का भी है। आइए देखते हैं उनके बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। पाक फिजाइया की दरख्शां तारीख के औराक पलटे तो जहां राशिद, रफीकी और आलम जैसे हीरोज के नाम दिखाई देते हैं, वहीं बेशुमार हीरोज ऐसे भी हैं कि जिनके लाजवाल कारनामों से दुनिया को अभी तक आगाही हासिल नहीं हुई है। तारीख के ऐसे ही गुमगश्ता हीरोज की फहरिस्त में एयर वाइस मार्शल सईद अख्तर अंसारी का नाम भी पूरी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई देता है। मार्च 1953 में पाक फिजाइया की GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। सन 1965 में स्क्वाड्रन लीडर सईद एयर वॉर कॉलेज फैसल में जारी स्टाफ कोर्स का हिस्सा थे। स्क्वाड्रन लीडर सईद को माड़ीपुर भेज दिया गया, जहां ऐन उसी शाम आप माड़ीपुर में तायुनात नंबर 31 बम्बार विंग की इंतहाई अहम मिशन ब्रीफ में शरीक थे। माड़ीपुर में विंग कमांडर हमीद कुरैशी की क़यादत में B-57 बम्बार तैयारों की फॉर्मेशन तयशुदा वक्त के मुताबिक जामनगर एयरफील्ड पर हमला करने के लिए महवे परवाज हुई। ये फॉर्मेशन सतह समंदर से इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करते हुए डूबते सूरज की रोशनी में जामनगर की फिजाओं में पहुंची। रेडियो पर लीडर की जानिब से पुल अप की आवाज सुनते ही फॉर्मेशन के तमाम पायलट्स हमले के लिए तैयार हो गए। चश्मे जदन में सईद के तैयारे से रनवे इंटरसेक्शन पर गिरने वाले 8 बमों ने जहां जामनगर एयरफील्ड की तबाही की दास्तान का आगाज किया, वहीं स्क्वाड्रन लीडर सईद के मुकद्दर में दुश्मन मुल्क को पहला बम गिराने का काबिले फख्र एजाज भी लिख दिया। 65 की 17 रोजा जंग में स्क्वाड्रन लीडर सईद अंसारी ने मुतादिद मिशंस में हिस्सा लिया
और दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आप अपने 39 साल शानदार कैरियर के दौरान कई अहम अहदों पर भी तैनात रहे। पाक फिजाइयों में इनकी इन्हीं शानदार खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पूरी पाकिस्तानी कौम और पाक फिजाइया अपने इस बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। ख़वातीनों हज़रात, हमारी खुश नसीबी है कि एयर वाइस मार्शल सईद अंसारी साहब बज़ाते खुद यहाँ मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में एयर वाइस मार्शल सईद अंसारी साहब। सर, अल्लाह ने आपको एक खास एजाज बख्शा और वो हिम्मत और वो कुव्वत दी। ये किस तरह आप अपने आप को ट्रेन करते थे या क्या सोचते थे, किस तरह आप ये समझते थे कि मैं ये कर लूंगा जो मैं चाहता हूँ? सितंबर 1965 में जिस तरह से इंडिया के साथ हालात ख़राब होना शुरू हुए, 6 की सुबह से ही कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि आज कुछ होना है। तकरीबन 4 बजे प्रेसिडेंट अयूब खान रेडियो पे आए और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। उस वक्त हमें टारगेट दिया गया कि आपका टारगेट जामनगर है और टाइम ऑन टारगेट 6:30 बजे शाम। अब हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा था, जिसमें हमने जल्दी जल्दी कुछ प्लानिंग की और सही वक्त पर हम रवाना हो गए। हमारे हमीद कुरैशी हेवी कमांडर थे उस ज़माने में, वो लीडर, मैं नंबर 2 था, रईस रफ़ी नंबर 3 थे, आलम सिद्दीकी 4, अमीन खान नंबर 5 और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद नंबर 6। इनिशियली 10,000 फुट के ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो ही इंडिया के ज़मीन आई तो हम लोग उतर के और लो लेवल हो गए, तकरीबन 100-150 फुट के ऊपर। जब जामनगर एयरफील्ड के ऊपर हम पहुँचे तो हमारे लीडर हमीद कुरैशी ने रेडियो पे मुझसे कहा कि मैं सही पोजीशन में नहीं हूँ, तुम लोग अपना मिशन करते रहो। मैं आइडियल पोजीशन में था और मैं डाइव में चला। इंटरसेक्शन ऑफ द रनवे जामनगर की मेरे सामने थी, उसके ऊपर मैंने एम करके अपने 8 बॉम्ब गिरा दिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो 8 सही जगह पर जाकर लगे। सर, आपको जब ये पता चला कि आप हिंदुस्तान की ज़मीन पर बम फेंकने वाले पहले शख्स हैं, इसकी ताकत और इसकी शिद्दत जो पहले साल में या दूसरे साल में थी, क्या आज तक वो आपके साथ है वो फख्र? उस ज़माने का जज्बा अभी तो देखने के लायक था। ये मैं ही बता रहा था कि जब हम लोग उस मिशन से वापस आए और अपने डीब्रीफिंग वगैरह की तो सब ने देखा गया बहुत अच्छा, बहुत कामयाब मिशन था, लेकिन फिर भी हम सब ने मिल के इस नतीजे पर पहुँचे कि दिल अभी भरा रहेगा। लेकिन अब हर शख्स ये चाहता था कि हम कंटिन्यू करते रहे और ख़ासतौर पर जूनियर पायलट्स को और कहते रहे कि भाई ठहर जाओ, सबको मौका मिल जाएगा, सबको मौका मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। और फिर यही हुआ कि हम पूरे इंडिया के हर जो आदमपुर, हलवारा, श्रीनगर, ये वो जो आप सुनते रहे उनके ऊपर रोज़ रात भर हम उनको याद दिलाते रहे कि हम इधर ही हैं। जी सर, सलाम है आपको, आप पूरी कौम का तुर्रा इम्तियाज है। बहुत सी तालियां। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब के। थैंक यू सर। बहरोज, मैं सोच रही थी कि क्या हम जिस दिन अफसरदा होते हैं या हम शहदा को याद करके अफसरदा भी होते हैं, लेकिन उसमें जो बड़ा एलिमेंट है वो फख्र का है और खुशी का है, क्योंकि वो जंगे 65 हमारे लिए एक फख्र का लम्हा। अभी जो हम जो देख रहे थे तो ऐसा जज्बा और यकीन जानिए कि और इतनी दुआएं, ऐसी फीलिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने सबने वो सब विटनेस किया उनके पास तो बहुत सी कहानियाँ होंगी, अपनी अपनी कहानियाँ सबके पास हैं। इसमें बहुत से एलिमेंट्स थे जिनमें खूबसूरत तरीन एलिमेंट था हमारे मिल्ली नगमों का। क्या हमारे फनकारों ने भी अपने अपने महाज पर कोई कमी नहीं छोड़ी, खासतौर पर आपकी भरपूर तालियों में। अगर थोड़ा सा है ना, जरूरी है क्योंकि ये तो वक्त है, प्लीज। हे वतन के सजीले जवानों, हे वतन के सजीले जवानों,
नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों। जबरदस्त। इस साल 14 अगस्त को इनको सितारा इम्तियाज तक किया गया है, जो 23 मार्च को मिलेगा, तो आपको बहुत मुबारक हो। जो हमारे कल पर, हमारे मुस्तकबिल पर अपना आज, अपना हाल वार देते हैं, उन पुरेसरार बंदों की ऐसी कौन सी मजबूरी है? वो हर दम वतने अजीज के दिफा में जुटे हैं। ख्वातीन आजाद, दहशतगर्दी की इस जंग में जहां बर्री अफाज ने जमीन पर दहशतगर्दों की मक्तलगाह बना दी, वहीं पर पाक फिजाइया ने आसमान से आग बरसाकर दुश्मन का सांस लेना मुहाल कर दिया। जुरत और बहादुरी की दास्तान बयान करने के लिए मैं इस वक्त स्टेज पे दावा देना चाहूंगा ग्रुप कैप्टन उमर रशीद। आपकी भरपूर तालियों में। उमर रशीद साहब, मैं चाहूंगी कि आप हमारी कौम को ये बताएं कि जो जंग दहशतगर्दी की हमने जीती, उसमें पाक फजाइया का किरदार क्या था बलखसूस, और वो क्या हिकमत अमली थी कि जिससे हम इस काबिल हुए कि हम ये जंग जीत पाए? जो सवाल आपने मेरे से पूछा है, मैं उसका थोड़ा सा तफसीलन जवाब देना चाहूंगा। ये जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, इसके कुछ बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कंटिन्यूड रिकॉनिसेंस, टाइम सेंसिटिविटी और इसके अलावा सीमलेस कोऑर्डिनेशन सर फहरिस्त है। इन तमाम मालूमात की रोशनी में इन मिशन को बड़ी बारीक बीनी से प्लान किया जाता है, और इस प्लानिंग में एक चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है कि हमारे मासूम शहरियों का किसी भी सूरत कोई जानी और माली नुकसान ना हो। आज तक जितने भी ऑपरेशंस अंडरटेक किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, किसी एक मासूम शहरी की भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जबरदस्त। फाइटर स्क्वाड्स के हवाबाज दिन और रात की तहरीकी का ख्याल किए बगैर अपने जहाजों पर मौजूद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यूज करते हुए शाहीन की तरह झपट पड़ते हैं और मिटा देते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो क्या जज्बा होता है उस टाइम पे, आपके क्या एहसासात होते हैं कि आप पूरी पूरी रात 24-24 घंटे, 48-48 घंटे, आपका जज्बा, स्पिरिट बिल्कुल उसी लेवल पे रहती है, वो क्या जज्बा है? मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें प्लीज़। हमने ये अहद किया हुआ है कि इस मुल्क के दिफा के लिए हम अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हमारे मुल्क की सालमियत को चैलेंज करे? हमारे लिए इस मुल्क की बका और इसकी सालमियत की हिफाजत अव्वलीन फरीजा है। बेशक। और हमारे ये सबसे पहले पाकिस्तान है। सुभान अल्लाह। सलाम है इस जज्बे को। बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया ग्रुप कैप्टन उमर रशीद, थैंक यू वेरी मच। ख्वातीन और हज़रात, ये लम्हा हमें तारीख के उस बाब में ले जाता है जहां हम अपने आप को दुश्मन के नापाक इरादों से लिपटी हुई साजिशों में घिरा हुआ पाते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो दहशत गर्दी के बलबूते पर मुमलिकत खुदादाद की बुनियादों को हिलाने की हिकमत अमली तो कर बैठा, मगर वो ये भूल गया कि सरजमीन पाक के मुहाफिज वो हैं जो वतन अजीज की तरफ उठने वाली हर मैली निगाह का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। यानी के जज्बा जुर्रत और शौक शहादत शर्त है बेशक अपने वतन का दिफा करने के लिए। नाजरीन, दावत देंगे अब इस वतन की मिट्टी के ऐसे बेटे को जिसने बावजूद छलनी जिस्म के उसने वतन के दिफा को अव्वल जाना और महाज पर तब तक डटा रहा जब तक अपने से 5 गुना दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर नहीं कर दिया। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए चीफ टेक सज्जाद आफरीदी तमगा बसाला। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं जो बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं। उन लम्हात में अगर आपने सही एक्ट किया,
तो वो लम्हात तारीख बन जाते हैं, और अगर आप घबरा गए तो यकीनन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। सजाद भाई, आप जिस पोस्ट पर तैनात थे वो एक बहुत ही खतरनाक पोस्ट थी। बिल्कुल। और जिस दिन आपकी पोस्ट पर हमला हुआ, आपने नहायत दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। मैं चाहूँगा कि उस वाक़े की डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर करें। एयर डिफेंस की तरफ से हम बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं एज एयर ऑब्जर्वर, तो हमने एक पोस्ट में 13 बंदे थे, तकरीबन 9 बंदे एफसी के थे, 4 एयरफोर्स के थे। तो एक रात तो 12:30 बजे दहशतगर्द ने अचानक तीनों साइड से हम पे हमला किया है, और वो इस गलतफहमी में थे कि हम कई गुना ज़्यादा है, तो हम जो मामूली 14-13 बंदे इसको हम खत्म करने खरीद कर देंगे और आसानी के साथ एरिया को कब्जे में ले लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये हमले जो होते हैं और अटैक होते हैं, ये मुकाबले जो होते हैं, ये तादाद पे नहीं जीते जाते हैं, ये जज्बे पे जीते जाते हैं और ट्रेनिंग पे जीते जाते हैं। जिसने ट्रेनिंग की हो, जिसने जिसको जज्बा उमल का, उस दौरान अटैक हो गया। अटैक में हम तो शुरू में तकरीबन 3 बंदे जख्मी हुए, बाद में 2 और जख्मी हो गए, तो ब्लीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे खुद पेट पे और स्प्लेंटर लगे थे उसके रॉकेट के, तो ब्लीडिंग को पैर कवर करने के लिए फर्स्ट एड वाले आ गए हमें बैकअप करने के लिए कि आप लोगों को कवर दे रहे हैं ताकि आप लोग ब्लीडिंग रोक लें। इस पर हम सब ने कहा है कि ये तो खून अभी हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा है, ये तो कुछ नहीं बहा अभी, जब तक आखिर कतरा होगा उस वक्त तक इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। सुभान अल्लाह। तो उस पे एक टेररिस्ट ने उन्होंने अटैक दोबारा उन्होंने शुरू किया और ग्रेनेड भी फेंके हमारी तरफ, लेकिन कवर फायर हमने कर रहे थे साथ साथ हैवी फायर करते, फायरिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी की है कि हमारी राइफल इतनी गर्म हो गई कि मेरे अपने दोनों हाथ ही जल गए थे। फिर आखिर में एक हाथ से ही फायरिंग शुरू की है। तो दोबारा भी उन्होंने कॉल की थी, वार्निंग दी थी हमें कि आप लोग सरेंडर कर जाए। हमने वही कहा कि अभी हमारे पास वही ऑप्शन है, आपको भी भागने नहीं देंगे, हम भी नहीं भागेंगे, आखिर दम तक इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और जो ब्लीडिंग जिनकी हो रही थी, बाकी साथी जो थे एफसी के, वो भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, कोई फील ही नहीं हो रहा कि किसी बंदे को कोई चोट लगी हुई है, जख्म है। आफरीदी साहब, तासो आफरीदी है ओजई यूसुफ जई अमा नदा से के दे नशी जे पख्तो के ज तासो ना सवाल होना कम, तासो अलता पाते शोई, तासो जख्मी शोवी वही, तासो ता गोलियाने लगी दली वही, व्याम तासो अलता पाते शोई, तासो के दा पाकिस्तान सरा मीने के खुशक्षता ना खुदा मीना, तासो के पाकिस्तान दे पारा मीना मोहब्बत चरता न रालो, दाम खलको तो हुआ है तासो वालिद साहब से कोल। माँ वालिद, मेरे वालिद साहब जो थे वो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, उस वक्त वॉलंटियर पाकिस्तान की खिदमत में पेश हो गए और वॉलंटियर उस वक्त खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद जब कश्मीर पर पहली अटैक हुई थी इंडिया की, तो उस वक्त भी वॉलंटियरली गए थे, और उस वक्त बगैर असले के यानी जो कबाई इलाके से लोग गए थे उसमें से वो भी शामिल थे। तो यही एजाज और ये विरासती जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात है कि हमें ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेनिंग में वो जो हमारे जज्बा है इसको फिर बिल्कुल तराशा जाता है उसकी टेक्निक, क्योंकि जज्बा के साथ टेक्निक भी होनी चाहिए और टेक्निक हमें ट्रेनिंग की तरफ से मिल जाती है। बहुत खूब चीफ टेक सज्जाद, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आप आए, आपकी वजह से हम सबका सर फख्र से बुलंद हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.